तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में जो कहानी लिखी है वो सुना रहा हूं आपको मैं। ये वो रॉबर्ट क्लाइव की डायरी से निकली हुई कहानी, उसमें वो लिख रहा है कि मैंने जब मीर जाफर को संधि में फंसा लिया और मीर जाफर आसानी से फंस गया तो मुझे लगा कि अब तो बंगाल मेरा हो जाएगा। बंगाल के राजा को मारना है बस, सिराजुद्दौला को। तो वो कहता है मैं, मीर जाफर, मेरे पीछे 350 सैनिक और उसके पीछे भारत के 18,000 सैनिक, हम सब गए सिराजुद्दौला को मारने के लिए। किनारे से जहां जहां से हम गुजरे हजारों भारतवासियों ने हमें देखा और हमारे जुलूस पर तालियां बजाई, लेकिन किसी भारतवासी ने हमें पत्थर उठा के नहीं मारा। वो कहता है मैं घोड़े पे आगे चलता था, मेरे पीछे 350 सैनिक थे, उसके पीछे 18,000 भारत के सैनिक थे और सड़क के सी खड़े होकर तालियां बजाते थे। मेरे ऊपर अगर किसी भी एक भारतवासी मारा होता और सैकड़ों भारतवासियों ने उसका अनुकरण किया होता पत्थर मारने का, तो हम तो उसी दिन मर जाते और भारत का इतिहास तो कुछ और हो गया होता।